एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। गुंडागर्दी, अपराधियों का को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े। तो जैसे दवा एक्सपायर्ड हो जाता है ना, तो उस दवा का कोई काम नहीं रह जाता है, मतलब अनुपयोगी हो जाता है दवा। वैसे ही जिस सज्जन का नाम आपने लिया, वो सज्जन राजनीति में अब एक्सपायर्ड दवा की तरह हो गए, अनुपयोगी हो गए, क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में ही बिहार की जनता ने देख लिया कि पिता की परछाई से वो बाहर निकल नहीं पाए और पिता की छाया में ही राजनीति करके पिता ने जिन पदचिन्हों को राजनीति में छोड़ा था, मतलब अपराध, गुंडागर्दी, अपराधियों का को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े। तो जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो वो एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब नहीं है। बिहार की जनता का बहुत साफ संदेश है लोकसभा चुनाव में, हमें NDA पसंद है, हमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है, बाकी राजनीति करना है तो घूमते रहेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के बीच इस पे विचार विमर्श चल रहा है, विचार विमर्श पूर्व में हुआ है, सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए गए हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उस समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार किया था और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो विचार बनेगा, जो सुझाव सभी के आएंगे, उसके आलोक में कोई भी निर्णय होगा। तो अभी सब कुछ यह प्रक्रियागत है। सर, कल पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, उसमें मुख्य सरिया इमारत सरिया ने कहा कि अगर थोपा जाएगा वक्फ कानून को तो हम आंदोलन करेंगे। कृषि कानून भी वापस हुआ था और देखिए, ये जो भाषा आप बोल रहे, मैं सुना नहीं हूँ उनकी बात को, लेकिन जो आप भाषा बोल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी। और यह लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं और संविधान की व्यवस्थाओं में जब कभी कहीं सुधार की ज़रूरत पड़ी है तो आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारे सुधार किए गए हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सुधार देश के अंदर हुए हैं। आगे भी जिन सुधारों की ज़रूरत है उन सुधारों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। किसान सड़कों पर थे, अब अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर। मैं कह रहा हूँ कि जिन सुधारों की ज़रूरत सरकार महसूस करेगी, सरकार कैसे बनती है, जनता के वोट से, जनता के समर्थन से बनती है, तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुसार हमें जो भी आवश्यक इस देश के लिए लगेगा वो काम निर्णय करके करेंगे, सभी से बातचीत करके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।